हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस एंड इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे टूडे आई विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम एज ऑल ऑफ यू नो दैट नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हर बार टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर सिस्टम में से आते हैं अभी आज के क्लास के अंदर भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी रूल ओके एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन यू पी एस सी सी सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके अब क्या है क्वेश्चन देखते हैं हाँ जी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कह रहा था नंबर थ्री सेवन नाइन एट वन टू फाइव पी थ्री सिक्स नाइन इज डिविजिबल बाई सेवन किससे डिविजिबल है कह रहा सेवन से डिविजिबल है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट पी नाव अब यहाँ पे एक तो तरीका ये हो गया कि आप पूरा डिविजिबल करके देखो सेवन से ठीक है तो उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो दूसरा ये कि हाँ जी बाई डिविजिबलिटी रूल कैसे हम इसका जो सेवन है सेवन का डिविजिबलिटी रूल क्या कहता है फॉर दिस काइंड ऑफ नंबर्स तो अगर मान लो हमारे पास में इस तरह से नंबर हैं तो हम पहले इसका पेयर बना लेते हैं ओके हम इसका पेयर बना लेते हैं सभी नंबरों का यस yes. अगर मैं थ्री थ्री का पेयर बनाती हूं तो देखो मेरे पास में पेयर क्या बन गए पेयर कैसे बनाना आपने राइट टू लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना पेयर कैसे बनाएंगे आप राइट टू लेफ्ट थ्री थ्री नंबर्स का आप पेयर बनाते हुए चलोगे तो ये हो गया आपके पास में आ, एक पेयर ही हो गया दिस पेयर एंड दिस पेयर तो क्या क्या हमारे पास में यहां पे पेयर बन गए जैसे दिस इज थर्टी सेवन नाइन एट वन देन टू फाइव पी एंड द थर्ड इज थ्री सिक्स नाइन ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है यस यू विल राइट दिस थ्री सिक्स नाइन माइनस टू फाइव पी प्लस नाइन एट वन माइनस थ्री सेवन क्या करना है एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार, बार माइनस सिंपल अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद हमने देखना है कि जो मेरे पास में नंबर आ रहा है दैट इज डिविजिबल और नॉट ओके तो अभी इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी देखो ये हो गया आपके पास में नाइन एंड वन टेन टेन से सेवन गया दिस इज थ्री ओके सिक्स एट फोर्टीन फोर्टीन से आपके पास में थ्री गया ओके okay. इलेवन ये हो गया थ्री नाइन ट्वेल्व एक आपके पास में कह रही था थर्टीन तो ये आ गया आपके पास में वैल्यू एंड हेयर यू कैन सी यू हैव टू नंबर अगर मान लो आपके पास में डायरेक्टली ये नंबर गिवन होता तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते थे ठीक है अब हमने देखना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी तो अब मेरे पास में जो नंबर है उनको चेक करो अब अगर मैं इसको देखती हूं तो अगर हम इसको सेवन से देखते हैं तो ये हो गया आपके पास में 1871265 तो यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर है बेटा 4 रिमाइंडर इस केस के अंदर रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास में 4 ओके okay. और अगर हम थ्री डिजिट का नंबर देखते हैं 20 25 से तो आप देखो कि 7 का डिविजिबल क्या-क्या बनेगा 7 के डिविजिबल यहाँ पे हमारे पास में दो नंबर्स बन रहे दैट इज 252 एंड 259 बोथ आर डिविजिबल बाय 7 ओके okay. अब देखो हमें करना क्या पड़ेगा फाइनली जो नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर हम फोर ऐड करेंगे क्योंकि यहां पर रिमाइंडर हमारे पास फोर बच रहे है ना तो इसके अंदर हम फोर ऐड करते हैं अगर मैं इसमें फोर ऐड करती हूं तो वैल्यू क्या बन जाएगी टू फाइव सिक्स ओके और अगर मैं इसके अंदर फोर ऐड करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाएगी यस yes. ये हो जाएगा आपके पास टू सिक्सटी थ्री और यहां पे क्या है टू फाइव टू फाइव दैट मीन्स कि ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया क्या रहेगा हमारे पास में ये ओके okay. तो ये हमारे पास में पी की जगह पे वैल्यू क्या आ गई सिक्स आंसर विल बी ऑप्शन बी सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था फोर यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर फोर बच रहा था तो दोनों को प्रोपोर्शन uh, करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे हमने उसको अंदर फोर ऐड कर दिया हाँ जी जो डिविजिबल नंबर है क्लियर तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो सो योर आंसर विल बी सिक्स पीक स्पेस पे क्या आएगा आपके पास सिक्स आएगा एंड द सेकेंड मैथड इज वट कि आप क्या कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ जी वैसे तो अभी आई होप सभी को ये क्लियर है दूसरा अगर आपको एग्जाम के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है एंड यू डोंट नो द डिविजिबिलिटी रूल है ना इन दैट केस हम क्या करेंगे सी सेट के एग्जाम में थोड़ा टाइम होता है आपके पास में टाइम होता है आपके पास में तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है चार ऑप्शन है आपके पास में पहले एक ऑप्शन को यहाँ पे पुट करो देन डिवाइड करके देखो इज इट ऑप्शन फिर उसको चेक करो तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा ओके okay? बट वो मेथड हमने कब यूज करना है जब मेरे पास में बाकी कोई मेथड ही नहीं है तो फिर क्या करूँगी ओके okay? अब ये तो चलो सेकेंड नंबर पे ऑप्शन था अगर मान लो लास्ट है तो फिर मुझे सारे ही अप्लाई करके देखने पड़ेंगे सो आई होप ये वाला मेथड सभी को क्लियर है क्लियर है डिविजिबिलिटी रूल पे हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सो so, सभी ने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से कर लेना है डिविजिबिलिटी रूल इजी है सारे डिविजिबिलिटी के मेथड आपको पता होने चाहिए तो उसके बाद आप इजीली कर सकते इस तरह के क्वेश्चंस को ओके okay? सो so, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ समझ आया है दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू तो सभी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे ओके एंड एज फ्रेंड्स हु आर लुकिंग फॉर ए कंप्लीट कोर्स ऑफ सी सेट डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है यू ऑल्सो कैन गेट टू डेज फ्री ट्रायल कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हो जिसके अंदर हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में कराया गया है अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में इश्यू आ रहा है इफ़ यू वांट टू टेक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल कोर्सेज ओके एंड इफ यू थिंक कि हाँ मुझे सिंगल सिंगल टॉपिक से प्रिपेयर करना है जैसे कि नंबर सिस्टम है सभी को पता है नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो मुझे सिर्फ नंबर सिस्टम ही चाहिए फिर उसके लिए मैं क्या करूँ क्या मुझे कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए या फिर आ, मुझे मॉड्यूल कोर्स चाहिए तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको सिंगल सिंगल टॉपिक से प्रिपेयर करना है इन दैट केस यू विल गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज ओके डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है वहां से आप कोई भी माइक्रो कोर्स ले सकते हो ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक यू